नमस्कार, मैं हूं जायरा। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करेंगे। आप फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको FIR से जुड़ी जानकारी देंगे। थाने में लिखित रूप में किसी अपराध की दी जाने वाली सूचना को FIR कहा जाता है। अपराध के संज्ञेय होने पर ही FIR लिखी जाती है। अगर किसी अपराध की शिकायत होने पर की गई है तो शिकायतकर्ता को बाद में थाने जाकर FIR का पंजीकरण कराना चाहिए। प्रभारी के थाने में नहीं होने पर थाने के सबसे वरिष्ठ अधिकारी से शिकायत की जा सकती है। अगर थाना प्रभारी ही FIR लिखने से मना कर दे तो पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी से शिकायत करें। किसी भी अपराध की रिपोर्ट पुलिस को दर्ज करवाने के लिए जैसे ही आप थाने में जाते हैं तो आपको अपने साथ घटे अपराध की जानकारी देने को कहा जाता है। FIR दर्ज करने में लापरवाही और देरी के लिए भी आप जिम्मेदार अधिकारी की शिकायत कर सकते हैं। FIR की पहचान के लिए इस पर FIR नंबर भी दर्ज होते हैं, जिससे आगे इस नंबर से मामले में प्रक्रिया चलाई जा सके। और अहम बात यह है कि FIR पंजीकृत करने के लिए किसी भी प्रकार की फीस नहीं लगती। यदि पुलिस अधिकारी इसकी मांग करता है तो तुरंत इसकी शिकायत बड़े पुलिस अधिकारियों को करें। तो ये तो थी कुछ बुनियादी जानकारी। हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता राहुल अग्रवाल जी, जो आपको FIR से जुड़े कानूनी पहलुओं की विस्तार से जानकारी देंगे। अगर आपका FIR से जुड़ा कोई सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 01206127937। इसके अलावा आप 01206127938 भी डायल कर सकते हैं। और हमारे अधिवक्ता राहुल अग्रवाल जी भी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। और सबसे पहला सवाल आपसे यही जानना चाहेंगे कि आखिर FIR की परिभाषा क्या है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा APN न्यूज का, जो मुझे आज में बुलाया और लोगों को लीगल जो भी उनकी क्वेरीज हो उनको हेल्प कर सकते। देखिए, FIR बस इंफॉर्मेशन, जो पहली कंप्लेंट जब भी कोई संज्ञेय अपराध जब होता है तो उसकी सबसे पहली कंप्लेंट पुलिस में दी जाती है। अब वो किस तरीके से दे सकते हैं, या तो आप पुलिस स्टेशन जाइए, ओरली वहां बताइए, तो वहां पे जो ऑफिसर इन चार्ज है वो, या फिर किसी को वो डिजिग्नेट करेगा, वो आपकी कंप्लेंट लिखेगा और आप समझाएगा आपके भाषा में कि क्या लिखा है और उसके बाद उसको साइन कराएगा, या फिर आप लिखित कंप्लेंट उसको देंगे तो वो उसको दर्ज कर लेगा रजिस्टर में जी, को FIR बोलते हैं। तो जो जब रिटन कंप्लेंट को रजिस्टर कर लिया जाता है उसी को हम FIR, जिसे वो बोलते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन। जी जी जी, तो FIR दर्ज करने की पूरी प्रक्रिया क्या होती है, तफसील से जानना चाहेंगे। देखिए, FIR वहीं दर्ज होती है जहां पे कॉग्निजेबल संज्ञेय अपराध, जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं उसमें FIR दर्ज नहीं होती। वो सेक्शन 155 ऑफ CRPC से डील होता है। जब भी किसी व्यक्ति के साथ कोई संज्ञेय अपराध होता है तो वो पुलिस स्टेशन जाके अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जाके वहाँ पे एक कंप्लेंट दे सकता है और उसमें सारी डिटेल्स देनी चाहिए, उनका नाम, उनका एड्रेस, अगर किसी जिस व्यक्ति ने उनके साथ अपराध किया है वो उसको पहचानते हैं तो उनकी पहचान, उनका नाम, जो भी उनके पास डेट है, प्लेस ऑफ अकरेंस, कहाँ पे ये डेट ऑफ इंसिडेंट, टाइम ऑफ इंसिडेंट, ये सारी इंफॉर्मेशन के साथ और क्या क्या अपराध हुआ है वो एक रिटन कंप्लेंट थाने पे दे सकते हैं, जो कि रजिस्टर करना मैंडेटरी है पुलिस के लिए। और अगर वो व्यक्ति लिखने में सक्षम नहीं है तो वो ओरली भी अपनी बात कह सकता है, जो कि पुलिस राइटिंग में लिखेगी, उनको सुनाएंगी, समझाएंगी क्या लिखा है और उसके बाद उनके हस्ताक्षर लेके उनकी मर्जी से उसको रजिस्टर करें। जी जी, जीरो FIR के बारे में अक्सर सुनते हैं हम, वो क्या होती है उसके बारे में बताइए। देखिए, जीरो FIR क्या होता है कि देखिए, पुलिस इज बाउंड टू रजिस्टर एन FIR व्हेन एज एंड व्हेन एन इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड टू द पुलिस फॉर अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो उनको FIR रजिस्टर मैंडेटरी है। अब अगर आप ऐसी जगह पर हैं जहां पे अपराध नहीं हुआ, आउट ऑफ द ज्यूरिसडिक्शन हो गया, तो उस जगह पे भी पुलिस वाले मना नहीं कर सकते FIR लॉन्च करने के लिए। दे हैव टू रजिस्टर द FIR
एंड देन ट्रांसफर दी एफआईआर कंसर्न डिपो स्टेशन। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक सर्कुलर भी जारी कर रखा है 10 मई 2013 में, जिसमें उन्होंने लिखा है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर इरिस्पेक्टिव ऑफ टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन एंड जीरो एफआईआर, एंड दिस इज द लेटर सेंड टू ऑल द एडिशनल चीफ सेक्रेटरी प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम्स। जी तो बिकॉज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स भी कहता है कि आप मना नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति पुलिस वाले के पास गया कि मेरे साथ ये सब अपराध हुआ, और क्योंकि वो उसके जुरिस्डिक्शन नहीं आता वो उसको मना कर देगा लिखने से। उसको मैंडेटरी है कि जी वो उसको लिखेगा, उसको रजिस्टर करेगा और उसके बाद उसको ट्रांसफर कर देगा कंसर्न थाने में। जी जी उसको जीरो इसलिए बोला जाता है क्योंकि उस पर एफआईआर नंबर नहीं दिया जाता। जी जी वो एफआईआर नंबर जब कंसर्न पुलिस स्टेशन जाता है तो वहां पे वो नंबर हो जाता है, जी जी तो पर ये जैसे मैंडेटरी है उसे जी करना। जी जी हाँ, किसी ये और थाने मिनिस्ट्री में ऑफ अगर आप रिपोर्ट दर्ज करवा रहे हैं तो वो जब उस पर्टिकुलर एरिया के थाने में ट्रांसफर की जाती है फिर उसके बाद उसका नंबर दिया जाता होगा, इस वजह से उसे जी जीरो एफआईआर कहते हैं। जीरो एफ आर जी कहते जी तो जानकारी क्या कुछ दी जाती है एफआईआर जब हम लिखवाते हैं तो किस तरह की जानकारी उसमें दी जाती है? जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जी सबसे पहले व्यक्ति को अपना नाम, अपना एड्रेस, अपनी पहचान और अपने साथ हुई घटना बतानी पड़ती, साथ में किसने घटना करी। अगर उसको वो जानता है, पहचानता है व्यक्ति, तो उनकी पहचान, उनका नाम, उनका एड्रेस, जो भी उनकी नॉलेज में होता है। सेकेंडली, कहाँ की घटना हुई, कितने बजे घटना हुई, प्लेस ऑफ किस जगह पे घटना हुई, ये सारी डिटेल उनको एफ कंप्लेन में देनी पड़ती। जी। राहुल जी, कॉग्नाइजेबल या संज्ञेय और नॉन कॉग्नाइजेबल या असंज्ञेय जुर्म क्या होते हैं, क्या फर्क होता है इनमें? देखिए, कॉग्नाइजेबल और नॉन कॉग्नाइजेबल जुर्म में क्या अंतर है, मैं आपको बताता हूँ। ये कॉग्नाइजेबल होते हैं जो हीनियस क्राइम, हीनियस क्राइम हम टिकली कॉग्नाइजेबल बोल देते हैं, जी। और जो सीरियस क्राइम बोल लीजिए, और जो नॉन सीरियस क्राइम है वो नॉन कॉग्नाइजेबल। ठीक है, इसके डेफिनेशन हमारे चैप्टर 1 सेक्शन 2 C ऑफ द CRPC में रखा है। ठीक है, तो कॉग्नाइजेबल ऑफेंस में क्या होता है, पुलिस कैन अरेस्ट अ पर्सन विदाउट वारंट, जो डेफिनेशन कहती है कि इफ अ कॉग्नाइजेबल ऑफेंस इज देयर द पुलिस हैज द पावर टू अरेस्ट द पर्सन विदाउट वारंट। जी पर अगर नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस है तो उसमें विदाउट वारंट को अरेस्ट नहीं कर सकते। जी और में ये भी है कि नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस 155 CRPC में दिया गया है, जिसमें कि जब कोई कंप्लेन नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस को दी जाती है उसको लिखते तो जरूर है पर उस पर कार्रवाई नहीं कर सकते। जी दे जी कैन जो 155 कहता है, नो पुलिस ऑफिसर शैल इन्वेस्टिगेट अ नॉन कॉग्नाइजेबल केस विदाउट द ऑर्डर ऑफ अ मजिस्ट्रेट हैविंग पावर टू ट्राई सच अ केस और कमिट द केस फॉर ट्रायल। मतलब बिना मजिस्ट्रेट की परमिशन के वो उसको इन्वेस्टिगेट भी नहीं कर सकते, जी। तो वो सिर्फ उसको लिखेंगे और मजिस्ट्रेट के पास भेज देंगे, और जब मजिस्ट्रेट उस पर डायरेक्शन देगा जी तो उसके बाद वो उसको इन्वेस्टिगेट कर सकता है और फिर उसका ट्रायल भी होगा। जी जी बस उसके बाद भी सिर्फ एक चीज रहती है कि उसके पास अरेस्ट की पावर तब भी नहीं होगी। राहुल जी, आपको रोकना चाहूंगी यहाँ पर। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं जम्मू कश्मीर से, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। नमस्कार मैम। जगमोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं। जगमोहन, सवाल पूछिए। हेलो जी, हम सुन पा हेलो रहे हैं आपको, कहिए। मैम, मेरा प्रश्न ये है कि अगर हमारे खिलाफ कोई झूठी FIR दर्ज करवाता है तो उसके खिलाफ हम क्या कार्रवाई कर सकते हैं? राहुल जी, क्या सलाह देंगे? देखिए देखिए, कोई FIR कराना, अब उसकी कार्रवाई क्या होती है कि अगर कोई झूठी कंप्लेन करते, देखिए आप किसी को FIR करने से रोक नहीं सकते। अगर आपके खिलाफ कोई फॉल्स और फिलेबरस FIR है तो आप 482 में हाई कोर्ट जा सकते हैं और उसे क्वैश भी करा सकते हैं। और अगर ट्रायल के बाद, कंडक्ट होने के बाद कोर्ट इस नतीजे पे आता है कि सिर्फ आपको फंसाने के लिए ये FIR की गई है, तो सेक्शन 203 और सेक्शन 211 के तहत भी उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, जिसमें 203 में 2 साल तक की सजा और फाइन और बोथ दोनों दी जा सकती है, और 211 में सजा जो है 7 साल तक एक्सटेंड हो सकती है। वो कब होती है? 211 क्या कहता है कि अगर कोई कंप्लेंट की गए जिसमें ऑफेंस
डेथ का होता है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या इम्प्रिजन फॉर 7 ईयर्स और अपवर्ड्स, मतलब जिन अपराधों में सजा या तो डेथ में लाइफ के इम्प्रिजन फॉर लाइफ है या फिर 7 साल और ज्यादा है, अगर वैसी कोई एफआईआर फॉल्स की जाती है तो उसके खिलाफ भी एफआईआर लॉन्च हो सकती है और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। हम बात कर रहे हैं एफआईआर के बारे में, हमारे अधिवक्ता राहुल जी भी बने हुए हैं लगातार हमारे साथ। राहुल जी, अब अगला सवाल आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर कोई भी अपराध होता है जो संज्ञेय है यानी कॉग्नाइजेबल है, तो उसमें पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी होती है, पुलिस कोई ऐसे में बहाना नहीं बना सकती है, इसके बारे में जानना चाहेंगे। जी, ये 154 सीआरपीसी खुद कहता है कि जब भी कोई अपराध संज्ञेय अपराध की जानकारी की जाती है तो उसको मैंडेटरी है कि उसकी एफआईआर रजिस्टर करें और उसमें कार्रवाई करें, और अगर ऐसा वो नहीं करते तो उनके खिलाफ भी सेक्शन 166A के तहत कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें सजा का भी प्राविधान है और पेनल्टी का भी प्रावधान। जी, तो किस तरह की सजा और पेनल्टी होती है अगर कोई आपकी रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रहा है तो? देखिए, अगर कोई आपकी रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रहा तो इसमें इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 ईयर्स विद फाइन, जी मतलब 2 साल तक की सजा विद फाइन। जी 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 एफआईआर होने के बाद आपके पास क्या कुछ कानूनी रास्ते होते हैं? देखिए, अगर हम किस तरफ से बात कर रहे हैं, अगर हम कंप्लेनेंट की तरफ से बात कर रहे हैं या जी विक्टिम जी दोनों की ही या तरफ फिर से अगर एक्यूज की देखे तरफ, जाए तो। जी, देखिए दी कंप्लेनेंट जो है जिसने एफआईआर करी है वो तो उसके बाद इन्वेस्टिगेशन चलेगा और उसके बाद चार्जशीट फाइल होगा। को अगर पुलिस वाले या पुलिस ऑफिसर, जो कंसर्न पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, वो कोई धारा हटाता है या फिर क्लोजर रिपोर्ट फाइल करता है कि ये अपराध नहीं हुआ, तो उसमें पीड़िता जो है या पीड़ित पक्ष है वो प्रोटेस्ट एप्लीकेशन फाइल की जा सकती है मजिस्ट्रेट के सामने, और मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस लेगा और उसमें ट्रायल कंडक्ट करेगा। जी, और अगर अगर हम अक्यूज की बात करें, उसके खिलाफ अगर एफआईआर होती है तो वो अरेस्ट से बचने के लिए बेल के लिए एंटीसिपेटरी बेल भी जा सकता है, जी और साथ में अगर उसके पास ठोस सबूत है कि ये फॉल्स और फैब्रिकेटेड एफआईआर है और इसमें जो भी दी हुई इंफॉर्मेशन है सब फॉल्स है, फैब्रिकेटेड है, तो वो 4:2 में हाई कोर्ट क्वैश में भी जा सकता है। जी, सीआरपीसी की धारा 482 क्या कहती है और एफआईआर से कैसे जोड़ा गया है इसे? देखिए, 482 मैंने आपको पहले ही बताया, ये हाई कोर्ट की इनहेरेंट पावर है। सीआरपीसी के अंदर जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, इसमें 42 में इनहेरेंट पावर कही है कोर्ट्स को, ताकि किसी को भी मतलब एंड जस्ट मीट द एंड्स ऑफ द जस्टिस और टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ लॉ, जी, हाई कोर्ट कुछ भी उसमें डायरेक्शन दे सकता है, उसकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे कोई एफआईआर मैंने बोला, कोई फॉल्स नहीं फैब्रिकेटेड एफआईआर, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि कोई एक कोई शख्स है जिसने एफआईआर की कि इन्होंने इस व्यक्ति पे मार दिया, इस जी समय मार दिया, और उस समय वो व्यक्ति कहीं और लोकेशन पे थे और उसके ठोस सबूत है, तो वो जी फॉल्स और फैब्रिकेटेड एफआईआर हुई, उस को लेके हाई कोर्ट क्वैश में जाया जा सकता है और हाई जी कोर्ट फिर वो क्वैश कर देगा। क्योंकि कोर्ट भी हाई कोर्ट भी इस नतीजे पे आता है कि जब किसी व्यक्ति ने कुछ क्यों नहीं किया, वो उसको जो ट्रायल फेस करेगा जी तो उसके लिए मेंटल अगोनी है, एंड दैट इज द ग्रॉस अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ लॉ। तो जी बिल्कुल। और 42 कोई भी डायरेक्शन हाई कोर्ट दे सकता है एज पर द रिक्वायरमेंट, जी, कोई भी डायरेक्शन दी जा सकती है कोर्ट की कोई भी तरफ से। डायरेक्शन दिखा। जी, पुलिस स्टेशन में राहुल जी रोज नामचे भी तैयार होता है, तो रोज नामचे और एफआईआर में क्या फर्क होता है? देखिए, नामचे जनरल डायरी एंट्री, जब भी कुछ आप कंप्लेन इसमें देते हैं जिसके नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस भी रहते हैं तो वो जनरल डायरी एंट्री करते हैं, तो वो जनरल डायरी एंट्री होती है। जब जी भी जी कोई प्रक्रिया पुलिस स्टेशन में होती है तो उसको पुलिस स्टेशन में जो भी ऑफिसर है उसको जो भी वो करता है उसको राइटिंग में रिड्यूस करता है और अपने रजिस्टर में उसको मेंटेन रखता है, जी दैट इज जी द जनरल डायरी एंट्री। जी जी बिल्कुल, जो रोजमर्रा के उनके काम है, जो वो अपना काम कर रहे हैं, वो उसमें मेंटेन रखते हैं, और एफआईआर जो भी कोई शख्स आके अपनी रिपोर्ट लिखवाना चाहे या एफआईआर लिखवाना चाहे। जी, बिल्कुल। और उसके बाद चार्जशीट के बाद भी जो पूरी केस डायरी होती है उसमें जो जनरल एंट्री करता है, डायरी एंट्रीज जी करता है जी कि जी आज मैंने ये किया, आज मैंने इन्वेस्टिगेशन में ये चीजें की, ये पाया, तो वही चार्जशीट होती है जो कोर्ट में फाइल होती है।
और उसी के बिहाफ पे पूरा ट्रायल चलता है। जी, तो एफआईआर निरस्त भी कराई जा सकती है। अक्सर हम इस तरह के मामले भी सुनते हैं, लोग एफआईआर निरस्त करा देते हैं, कैंसिल भी करवा देते हैं, वो कैसे होता है? जी उसे कैंसिल नहीं बोलेंगे, क्वैश ही बोलेंगे। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, अगर कोई बिल्कुल ही फॉल्स और फैब्रिकेटेड एफआईआर है तो उसको हाई कोर्ट प्रेमा फिश क्वैश कर देता है। उसके जी पास 482 में पावर होती है हाई कोर्ट के पास, और हाई कोर्ट इस चीज पे आता है कि बिल्कुल फॉल्स और फैब्रिकेटेड एफआईआर है, जी जी बिल्कुल निराधार एफआईआर, तो उसको वो क्वैश कर देता है। जी। ऑनलाइन भी क्या हम एफआईआर दर्ज करा सकते हैं, और किन हालातों में ये पॉसिबल है कि ऑनलाइन एफआईआर लिखवाई जाए? जी देखिए, आजकल अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स ने खुद पोर्टल्स खोले हैं, अपने लिंक्स दिए हैं। जैसे दिल्ली ने खोला है कि कोई चोरी की अगर एफआईआर होती है उस पे आप, या थिंक की एफआईआर होती है, कंप्लेन होती है, तो आप ऑनलाइन उसको ई एफआईआर करा सकते हैं। तो उसमें आप घर बैठे बैठे जो भी एप्लीकेशन होती है स्टेट की, उसमें आप जाके उसमें एनरोल कर सकते हैं, उसमें इंफॉर्मेशन फीड आउट कर सकते हैं अपनी, और उसमें फिर ई एफआईआर हो जाता है। जी बिल्कुल, ये सुविधा भी है लोगों के पास कि ऑनलाइन आप एफआईआर दर्ज करवा दीजिए। और जी जी अगर झूठी एफआईआर से बचने के लिए क्या करना चाहिए, जैसे एक कॉलर ने भी पूछा था अभी हमारे कि झूठी एफआईआर अगर किसी ने लिखवा दी है तो ऐसे में बच्चा कैसे जा सकता है उससे? देखिए, अगर एक बार एफआईआर हो गई है, अब वो झूठी है या सच्ची है इससे फर्क नहीं पड़ता, पर उसको क्वैश करने की पावर हाई कोर्ट की है। अगर कोई बिल्कुल ही झूठी एफआईआर है, निराधार एफआईआर है, तो हाई कोर्ट में जाके उसको क्वैश कराया जाए। जी जी राहुल जी, अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट याचिका दायर कर एफआईआर के खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है ऐसे में? देखिए, 226 जो है ना, वो रिट ज्यूरिडिक्शन में आता है हाई कोर्ट का, और रिट ज्यूरिडिक्शन बहुत वाइड होता है, ठीक है, क्योंकि हाई कोर्ट के पास 482 में बहुत पावर्स होती है सीआरपीसी डील करने के लिए, इसलिए 226 में नहीं जाते। अगर आपको क्वैश कराना है तो 482 में हाई कोर्ट कर सकता है, अगर आपको कोई डायरेक्शन चाहिए तो भी 482 में कर सकता है, तो फिर 226 की जरूरत नहीं है। देखिए, 226 कहाँ चाहिए होती है, 226 रिट ज्यूरिडिक्शन वहां दिया जाता है जब जहां पे आपके पास कोई लीगल ऑप्शन नहीं, जी। या आपको तुरंत कोई रेमेडी चाहिए, या फिर कोई गवर्नमेंट ड्यू है, या फिर आप कोई लॉ को चैलेंज कर रहे हैं, जी। कोई स्टैट्यूट पे चैलेंज कर रहे हैं, तो वहां पे आप रिट ज्यूरिडिक्शन पे जाते हैं। तो अगर कोई आप सीआरपीसी का कोई सेक्शन चैलेंज करते हैं, कोई स्टैट्यूट चैलेंज करते हैं, या फिर कोई गवर्नमेंट ऑर्डर है, कोई ड्यू है, कभी कभी गवर्नमेंट ऑर्डर दिया जाते हैं जो फिर अनकॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, तो उनके लिए हम 226 में हाई कोर्ट जाते हैं फॉर जी क्वेश्चनिंग और फॉर द डायरेक्शन। जी जी उसी हिसाब से करते हैं। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया राहुल जी। जी या फिर जी एक छोटी जी सी जी बात बताइए। और, या फिर अगर कोई ऑफिसर अपनी पावर के बियॉन्ड चले जाता है, उसके लिए भी हम हाई कोर्ट जा सकते हैं 226 जी जी डायरेक्शंस। बिल्कुल। चलिए बहुत शुक्रिया राहुल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत अहम जानकारी आपने दी हमारे दर्शकों को एफआईआर से जुड़ी हुई, और जाहिर तौर पर उन्हें कहीं ना कहीं इस चीज का फायदा जरूर पहुंचेगा अपनी निजी जिंदगी में। इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।